राग कल्याण कल्याण महला चौथा अष्टपदियाँ एको सद्गुरु प्रसाद। रामा रम रामो सुन मन बीजे, रामा रम रामो सुन मन बीजे। आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब से चौथी पातशाही की बाणी ली जा रही है। हम सब जानते हैं कि इंसान और परमात्मा के बीच में अगर कोई रुकावट है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई दीवार है, तो वो इंसान का मन है। मुसलमान उसको नफ्स कहते हैं। बड़ी ज़बरदस्त ताकत है। इस वास्ते गुरु नानक साहब जी महाराज फरमाते हैं, नानक मन जीते जग जीत। और महात्मा कहते हैं, कोट जतन से यह नहीं माने, धुन सुन कर मन समझाई। कबीर मन मानिया, मन मानिया तो हर जानिया। कबीर साहब कहते हैं, जब हम अपने मन को काबू में लाएंगे तो हरि का पता लग जाएगा, हरि का ज्ञान हो जाएगा, हरि का इल्म हो जाएगा। फिर आखिर में कुरान मुकद्दस में लिखा हुआ है, मन उर्फ रब्बा, जिस आदमी को मन का ज्ञान हो गया, मन उर्फ नफ्सा, उसको रब का ज्ञान हो गया। इस तरह से ये मन बड़ी ज़बरदस्त ताकत है। आद से दुनिया वालों ने इस मन से बहुत टक्कर खाया हुआ है, लड़ाइयाँ की हुई है, जदोजहद की हुई है, बहुत कोशिशें की हुई है इस मन को काबू में लाने की। ऋषियों मुनियों ने हजारों बरस जंगलों में तपस्या की, योग कमाया, हठ योग कमाया, मवन रखा, प्राणायाम किया, शरीर को तरह तरह की तकलीफें दी, मगर हम सब जानते हैं कि ऋषि पराशर, विश्वामित्र, दुर्वासा, शरंगी, ये सब गिर गए। किसी को मछोदरी ने गिराया, किसी को रंभा ने गिराया, किसी को मेनका ने गिराया। राम रावण चार वेदों का पढ़ा हुआ स्कॉलर था। खाली चार वेद उसने पढ़े थे वो नहीं, मगर एक एक वेद का टीकाकार था, यानी कमेंटेटर था। उसने भी अपने मन को वश में नहीं किया। पढ़ाई औरत अपने घर में ले आया, उसका सर्वंश नाश हो गया।
आज कल उस रावण का बुत बना के उनको आग लगा दी जाती है। कहने का मतलब है कि ये मन बड़ी ज़बरदस्त ताकत है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि इस मन को जो मांगता है वो देओ, थक जावे। जैसे किसी आदमी को किसी चीज़ का शौक होवे तो उसको बोलते हैं खिलाओ खिलाओ, ये थक जाएगा। मगर मन नहीं थकता। राजाओं महाराजाओं ने सौ सौ स्त्रियों से शादी की, मगर उनका मन काम से नहीं रजा। कारून बादशाह सोना जमा करने के शौक में कब्रिस्तान खुदवाए, मरे हुए मुर्दों के मुंह से सोने के सिक्के निकाले, अशरफियां निकाली, मगर उसको भी संतोष नहीं आया। फिर लोगों ने कहा खूब जो मांगता है खिलाओ, शराब कबाब वगैरह 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 वगैरह, उससे भी मन शांत नहीं आया। अगर हम आग के ऊपर घी डालेंगे तो क्या होगा? आग और ज़्यादा भंभर के घी। तो उन्होंने काबू करने की कोशिश की मगर फेल गए। क्यों क्यों फेल गए? क्योंकि उन्होंने मूल को नहीं समझा, मेन काज को नहीं समझा। हम एक ज़मीन का प्लाट खरीद करते हैं, उसमें एक बड़ा भारी दरख्त है, उधर बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो कुल्हाड़ी लेके लोग आते हैं, दरख्त को काट देते हैं, दरख्त तो ख़त्म हो जाता है, फिर उसके ऊपर मट्टी वट्टी डाल के ये वो करके काम निकालते हैं। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद वो दरख्त की जो मूल है वो फिर निकलती है, फिर वो जगह हरी भरी होती है। जिन लोगों ने दरख्त को निकाला उन लोगों ने मूल का ख्याल नहीं किया। अगर उनको चाहिए था कि मूल भी निकालते तो दरख्त फिर नहीं निकलता। इस तरह से ये इंसान मन को काबू नहीं कर पाया है, क्योंकि इसकी मूल ब्रह्म में है, वहाँ ब्रह्म रस पी रहा है। यहाँ दुनिया में वो मन रस चाहता है, रस ढूंढता है, रस की तलाश करता है, मगर यहाँ का रस उसको संतोष नहीं देता। इस वास्ते इंसान हार गया, मन जीत गया। गुरु नानक साहब जी से पूछा गया, प्रभु आखिर ये मन कैसे काबू होगा? गुरु नानक साहब जी महाराज ने कहा, रामा रम रामो सुन मन भीजय। कहते हैं अगर तू वो राम नाम उसको पकड़ेगा, उसका रस पिएगा,
तुम राम में रम जाएगा, मन तुम्हारे काबू में आ जाएगा। वो राम क्या, राम कितने हैं, इसके बारे में गुरु नानक साहब जी महाराज या महात्मा संत कबीर साहब की वाणी है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, चार राम, एक था दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, वो है मन। अभी ख्याल उल्टाया, कलकत्ते चला जाएगा, लंदन चला जाएगा, ब्यास चला जाएगा, मन है। अभी इसकी मर्जी पड़ेगी तो खपोली में आइसक्रीम खाने को जाएगा, पेट्रोल का 10 लीटर ख़त्म करेगा, मगर आइसक्रीम वहाँ की खाएगा, ये मन है। सब पाप अवगुण हमारे इस मन के कारण हम करते हैं। मन बाहर रहता है, पाप और गुनाह हमारे खाते में जाते हैं, जिसके कारण हम जन्म लेते हैं और मरते हैं। तो अब देखेंगे वो राम जो है, एक राम का सकल पसारा, वो है ब्रह्म, जो सृष्टि बनाता है, जो सृष्टि डाहता है। एक राम सबहू से न्यारा, इन तीनों रामों से एक राम है जो निराला है। वो राम राम नहीं जो दुनिया जपती है, उस राम की बात हो रही है जो खुद प्रभु है, वाहगुरु है, हरि है, पावर है, शक्ति है, ताकत है। लोग लाख लाख कागजों पे राम राम लिख के हरिद्वार में मछलियों को खिलाते हैं, लोग हजारों दफा माला फेर के राम 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 करते हैं। इस तरह से वो जो राम राम जपते हैं, वो फकत लफ्ज है, पावर नहीं। वो राम पावर जो है, वो हरि है, वो गोविंद है, वो प्रभु है, वो रब है, जो नाम देना है देव, इस सृष्टि को पैदा करने वाला। कहते हैं अगर उससे तुम्हारी प्रीत और प्यार हो जावे, रामा रम, तुम उस राम में, हरि में, गोविंद में, परमात्मा में रम जाओगे। राम लफ्ज की माना है जो जरे जरे में रम्या हुआ है, वो राम है। कोई नाम उसको दे दो, वो पावर है, वो ताकत है, उसने ये सारी सृष्टि पैदा की। तो इस वास्ते कहते हैं प्यारा, जब उस राम को मिलोगे तब मन काबू में आएगा। बाद में रामा रम रामो सुन मन बीजे, रामा रम रामो सुन मन बीजे, हर हर नाम अमृत रस मीठा, गुरमत सहजे पीजे। अब यहाँ गुरु साहब बताते हैं वो जो असल नाम है, जो असल राम है, हर हर नाम अमृत रस मीठा है। कहते हैं बहुत प्यारा है, बहुत मीठा है, ज़बान उसका जिक्र नहीं कर सकती। इस दुनिया में ऐसा कोई मिठास नहीं है जिसका मिसाल दिया जाए। इस राम नाम के पीछे
मीरा गई इस राम नाम के पीछे, बल को बुखारे का बादशाह यहाँ हिंदुस्तान में आया। वो राम नाम कहते हैं रस मीठा, कहते हैं बहुत मधुर है। जब उसका रस हमको आया, आनंद आया, हमने उसका तजुर्बा किया, एक्सपीरियंस किया, स्वाद लिया, कहते हैं ये दुनिया के लज्जतों को, स्वादों को, मज़ों को, जायज़ को, डिलाइट्स को पीठ दे देगा, उसको कोई परवाह नहीं। पैसा क्या, मिठाई क्या, इज्जत क्या, बड़ाई क्या, औरत क्या, पुरुष क्या, मान शान क्या, गवर्नर होवे तो भी क्या, वो इंसान परवाह नहीं करेगा, क्योंकि इसको हरि नाम का रस आ गया। उसको कहते हैं हर हर नाम अमृत रस मीठा, मगर वो कैसे होगा, ये नाम अपने को कैसे मिलेगा, कहाँ से प्राप्ति होगी, कौन बख्शिश करेगा। फरमाते हैं गुरमति, दुनिया नाम को किताबों में तलाश करती है, दुनिया नाम को तीर्थों पे तलाश करती है, दुनिया नाम को बुत बना के उसकी भक्ति में करती है। हजारों लाखों कोशिशें इस संसार में होती रही है, मगर वहाँ नाम है ही नहीं। जहाँ कोई चीज़ है ही नहीं, आप जितनी तलाश करनी है नहीं मिलेगा, तो फिर कहाँ है। कहते हैं ऐ इंसान तेरे अंदर है, मगर ऐसा नहीं मिलेगा। नाम तो सबके अंदर है, चोर के अंदर भी है, ठग के अंदर भी है, पापी के अंदर भी है, भले आदमी के अंदर भी है, मगर मिलेगा कैसे। कहते हैं गुरमति, कोई कामल महात्मा, फकीर, दरवेश, संत, हिंदू होवे क्या, सिख होवे क्या, किसी जात का होवे, मगर नाम का दाता होवे, जिसके पास नाम अंदर प्रगट होवे, हरी रस जिसके अंदर हर वक्त होता है, उसके पास जाओ। वाणी कहती है श्री गुरु ग्रंथ साहिब में, कबीर साहब जी महाराज कहते हैं किन्नी बनजा कांसी तांबा, किन्नी लौंग सोपारी, संतो बनजा नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी। कहते हैं दुनिया में जुदा जुदा लोक, जुदा जुदा चीज़ों और सामानों का व्यापार करते हैं, संत भी करते हैं, वो क्या है। कहते हैं राम नाम का व्यापार करते हैं, ऐसी केप हमारी। कहते हैं ये सामान इस संसार में संत महात्मा लाते हैं, तो ये चीज़ वहाँ मिलती है। गुरमति, मनमति नहीं। मन तो बोलेगा किताब पढ़ो, मन तो बोलेगा तीर्थों पे जाओ, तरह तरह की बातें मन करवाएगा इंसान को, मगर चीज़ इसके अंदर है। कोई संत महात्मा फकीर की दया मैड हो गए। आगे हर हर नाम अमृत रस मीठा, गुरमत सहजे पीजे, काशट में ज्यो है बैसंतर, मथ संजम काढ़ कढ़ीजे। महाराज जी फरमाते हैं जिस तरह से लकड़ के अंदर, लकड़ माना टिम्बर माना वुड,
उसके अंदर आग है मगर वह आग छुपी हुई है। जब हम उसको दिया सुलाई लगाएंगे, जब एक दूसरे से रगड़ेंगे तो आग निकलती है। इस तरह से जिस तरह से लकड़ के अंदर आग छुपी हुई है, इस तरह से ए इंसान तेरे अंदर भी वो परमात्मा का नूर वो नाम छुपा हुआ है, मगर कैसे निकलता है। कहते हैं मथ संयम काढ़ लहीजे, मक्खन दूध में है मगर दूध को जब तक दही न बनावे, रगड़े नहीं तब तक मक्खन नहीं निकलता। इस तरह से इस इंसान के अंदर वो राम नाम रूपी ताकत है, इस इंसान को अपना मंथन करना पड़ेगा। मतलब क्या है? मतलब है सिमरन और भजन करना, वो है मंथन। करनी अभ्यास, इसके सिवा ये राम नाम रूपी प्रकाश इंसान को नहीं मिलेगा। जिनको मिला उनको करनी से मिला, बंदगी से मिला। तो इस वास्ते कहते हैं प्यारा, इसके लिए तेरे को करनी पढ़नी पड़ेगी, मंथन करना पड़ेगा। आगे राम नाम है ज्योत सबाई, तत् गुरमत काढ़ लईजे। कहते हैं वह सच्चा राम या सच्चा नाम सब में है। आप कहोगे बदमाश में भी है, हाँ, चोर में भी है, हाँ, डाकू में भी है, हाँ, हिंदू में भी है, हाँ, मुसलमान में भी है, हाँ, औरत में भी है, हाँ, सब में है। वो परमात्मा की ज्योत असल नाम, मगर सबाई कहते हैं, सबाई माना सब में है। फिर कहते हैं तत्, इस सारी जिंदगी का, सारी सृष्टि का, सारे कॉस्मोस का तत् है, मूल है, मेन काज है, क्योंकि उस नाम ने सृष्टि पैदा की। वाणी कहती है नामे ही ते सब कुछ हुआ, जो कुछ हुआ है। बाइबल में भी लिखा है इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड वॉज विथ गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड, वो नाम है। कहते हैं गुरु मत काढ़ लहीजे, कहते हैं गुरु की मत लेना, पढ़ने वरने से ये नहीं होता है। पढ़ पढ़ के इंसान खत्म हो गया, झगड़ा करने से नहीं होता है। कोई कहे ना ऐसा है, कोई कहे ना ऐसा है, किसी से झगड़ा नहीं, किसी से बहस नहीं, किसी से आर्ग्यूमेंटेशन नहीं। अपने को वक्त कहाँ है लफ्जों के झगड़ों में पढ़ने का। गुरु साहब ने भेद दिया, कोई कॉर्नर लेके, मकान लेके, चुप करके, आंखें बंद करके, ख्याल अपना यहाँ टिकाना, ये असल बात है। इस वास्ते कहते हैं राम नाम है ज्योत सबाई, तत् गुड़ मत काढ़ लहीजे। कहते हैं किसी संत के पास जाओ, तुमको तरीका बताएगा, टेक्निक बताएगा, और तुम उससे अपने अंतर में उस प्रभु को देख लेना, उस राम को देख लेना। आगे नौ दरवाजे नवे दर फीके, रस अमृत दसवें चुईजे। इंसान के शरीर में नौ द्वार है, दरवाजे हैं, नाइन पोर्टल्स,
दो आँख दो नाक एक मुंह पांच दो कान सात दो नीचे के द्वार कहते हैं नौ द्वार हर एक इंसान के अंदर है। कहते हैं इसके अंदर जो मज़ा लज़त स्वाद है वो फीका है। जितना आपको टीवी देखना है सिनेमा देखना है देखो मगर कुछ आपको उससे हमेश के लिए आनंद नहीं मिलेगा, टेम्पररी मिलेगा, थोड़े वक्त का मिलेगा। कानों से जितना राग गाना म्यूजिक सुनना है सुनो, थोड़े वक्त की लज़त है। इस तरह से ज़बान से खट्टा खाओ, मीठा खाओ, नरम खाओ, गरम खाओ, ठंडा खाओ, थोड़े वक्त के लिए मज़ा है। और इस तरह से नीचे के इंद्रियों के भोग हैं, सब आर्जी, सब टेम्पररी, सब थोड़े वक्त के लिए हैं। इंसान मरने तक इसको संतोष नहीं आया, जिंदगी इसने भोगी मगर जिंदगी इसने नहीं भोगी, जिंदगी ने इसको भोगा। कोई 50 का होके मरता है, कोई 60 का होके मरता है, कोई 25 का होके मरता है, कोई 80 का होके मरता है, कोई 90 का होके मरता है। स्वाद वहीं पड़े हैं, लज्जतें वहीं पड़े हैं, प्लेयर्स ऑफ लाइफ वहीं हैं। भोगने वाला खत्म हो गया। इस वास्ते कहते हैं नव दरवाजे नवे दर फीके रस अमृत। कहते हैं प्यारा ऐसा रस पीना है जो सदा तेरे साथ होवे, जो आनंद होवे, जिसकी मस्ती तेरे को चढ़ी हुई होवे। गुरु नानक साहब की बाणी है नशा भंग चरस अफीम का उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हमसे पूछते हैं भाई ऐसी मस्ती चाहिए जो सदा तेरे पास है, जो मरने के भी बाद में तेरे साथ रहे, जिंदा है तो भी तेरे साथ रहे, ऐसा रस अमृत आनंद मस्ती जॉय डिलाइट प्लेयर तुमको चाहिए? अगर कहता है हाँ, कहते हैं दसवें चोई जी, कहते हैं इधर आ जाओ, इधर इधर। आप कहेंगे इधर गया? जब संत मत में लिखा है कि नौ दरवाजा है मगर ये दरवाजे फकत बाहर के हैं, एक और दरवाजा है जिससे इंसान अपने अंदर जाएगा। काय से अंदर जाएगा? कान से, आंख से, मुंह से, किस तरह से अंदर जाएगा? कहते हैं वो द्वार, ये दरवाजा, वो पोर्टल, वो गेटवे यहां है, इस जगह है जहां माताएं और बहनें तिलक लगाती है, तिल जिसको गुरु नानक साहब ने कहा है। और भी कई जुदा जुदा संत महात्माओं के हैं मगर टाइम लिमिटेड है। वो दरवाज़ा हर एक इंसान में यहाँ है, ये दरवाज़ा इसका बंद ही रहा, मर गया चला गया, दरवाज़ा बंद ही रहा। जहाँ अंदर आनंद खुशी मस्तियों के अंबार हैं वो इसने कभी चाखा नहीं, टच भी नहीं किया। हम ऐसा टच करते हैं ना, उस आनंद को इस इंसान ने टच भी नहीं किया, पैक्ट। इसका लज़त मज़ा नाम का अमृत रस इसके अंदर बंद का बंद रहा। इस वास्ते कहते हैं प्यारा अगर वो अमृत रस पीना है तो दसवें चोई जे इधर आ जाओ। आगे कृपा 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 कर प्यारे गुर सबदी
हर रस पीजे। अब यहां गुरु साहब मालिक को कहते हैं कृपा कृपा कृपा, माना दया, माना मेहरबानी, माना रहमत, माना फजल, माना करुणा। हे भगवंत, मैं तेरे से कुछ नहीं मांगता हूं, मगर कृपा करो। अपने को याद रखना चाहिए, भगवान हमारी मेहनत से नहीं मिलेगा, भगवान उसकी दया से मिलेगा। रात हुई, हमको सूरज दिखाई देता है नहीं दिखाई देता, मगर सुबह हुई, सूरज निकला तो सूरज दिखाई देता है। माना सूरज के लाइट से ही सूरज को हम देख सकते हैं। ऐसे वो परमात्मा वाहगुरु अकाल पुरख हरि गोविंद, उसके मेहरबानी से ही हम उनका दर्शन कर सकते हैं। तो उसे मेहरबानी मांगना हमको संत सिखाते हैं। अरे क्या चीजें तुम उस वाहगुरु से मांगते हो, हरि से मांगते हो, गोविंद से मांगते हो, क्या मांगते हो? कृपा कृपा कृपा, प्रभु मेरे ऊपर दया करो, मेहरबानी करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। क्या चाहिए? गुर सब दी हर रस दी जाए। कहते हैं प्रभु मुझे हरि रस चाहिए, शब्द रस चाहिए, नाम रस चाहिए। वो हरि रस क्या होता है, वो नाम रस क्या होता है, वो शब्द रस क्या होता है? जबान समझा नहीं सकती, किताब समझा नहीं सकता, अक्ल वहां तक जाता नहीं। ये बुद्धू का बुद्धू रह गया, किताबों में ये चीज कहां आई? ये तो चाखने वाली चीज है। ओ साहेब मेहरबान होवे, रहम करे, कृपा करे, तब वो बख्शिश करता है। गुरु नानक साहब ने गुरु अंगद साहब जिसको लहणा कहते थे, भाई लहणा, चौधरी लहणा, पहाड़ों में रहने वाला था, हर बरस को वैष्णो देवी पर जाता था। ये जो ज्योति होती है ना, क्षमा की या दीपक की, उस ज्योति का बड़ा शायक था, और घुंघरू पहन के ज्योति के इर्द गिर्द में नाचता भी था। उसको किसी ने कहा, प्यारा तू परमात्मा को इतना प्यार करता है, परमात्मा को ढूंढो। कहते हैं कहाँ ढूंढूं? कहते हैं उसका नाम है गुरु नानक, नीचे जाओ, पहाड़ों से नीचे जाओ, क्योंकि वो पहाड़ों में रहने वाला नीचे आया। जब मैदानों में आया, एक मैदान पर गुरु नानक साहब जी महाराज सत्संग फरमा रहे थे, उसको चौधरी लहणे ने देखा, दिल दे दिया, आशिक हो गया। अंग्रेजी में कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, पहली नजर से मोहित हो गया, फिर घर नहीं गया, ख्याल में रहे, फिर घर में नहीं गया। बाद में वह चौधरी लहणा बना गुरु अंगद साहेब। अब इस वास्ते कहते हैं कि वो परमात्मा से, जब वो परमात्मा खुद मेहरबान होवे, दया करे, तब बख्शिश करता है। हमारी हुशारी वुशारी से नहीं मिलता है, वहां तो हुशारी चाहिए ही नहीं, हुशारों को तो ये चीज मिलती नहीं है। जो सीधे साधे साफ निर्मल होते हैं, उनको भगवान दया करके ये चीज देते हैं। तो इस वास्ते कहते हैं प्रभु को मांगो, प्रार्थना करो, अरदास करो, कौन सी, के हे प्रभु
मुझे नाम रस देओ, मुझे शब्द रस देओ, मुझे हरि रस देओ। एक दफा वो हरि रस अपने को बख्शिश हो गया, दुनिया के कोई रस के तरफ हमारा ख्याल नहीं जाएगा। उसको जुबान नहीं बयान कर सकती है, मैंने पहले ही कहा है। और जिसको वो रस आया वो गूंगा होता जाता है, गूंगा। आप बोलेंगे गूंगा क्यों? क्योंकि रस का बयान वो क्या करें। कोई मिठाई है ऐसी, फरीद साहब कहते हैं, फरीदा शक्कर खंड निबात गुर माखियों मांझा दुध, सबे वस्तु मिठियां रब न पिजन तुद। जितनी संसार की मीठी चीजें हैं, कहते हैं इसका भगवान के नाम से हरि रस के सामने कोई मुकाबला नहीं है। तो कहते हैं प्यारा मांगो, खाली मांगना भी नहीं है, मांगने के साथ साथ मेहनत भी करनी है, अभ्यास भी करनी है, साधना भी करनी है, दोनों चीजें साथ चलती हैं। हम बोलते हैं भगवान सर्वव्यापक है, सब जगह मौजूद है, भगवान सब कुछ देखता है, भगवान सब कुछ सुनता है। जो आदमी भगवान की याद में बैठेगा, क्या भगवान नहीं जानता है कि ये मेरी याद में बैठा हुआ है? उसको कोई राइटिंग में नोटिस देना पड़ता है? वो सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है, सब जगह मौजूद है कि मेरे से दुनिया क्या मांगती है, संसार क्या मांगता है। कबीर साहब कहते हैं क्या मांगूं कुछ थिर न रहा ही, देखत नैन चलो जग जाई। कहते हैं प्रभु तेरे से क्या मांगूं, मैं देख रहा हूं सृष्टि में सब चल रहे हैं, जा रहे हैं, तो मैं ऐसी चीज मांगूं जो हमेशा मेरे साथ रहे, वो है हरि रस, वो मस्ती देने वाला, संसार को पीठ देने वाला हरि रस मिल जावे। ऐसी अरदास हमारी, ऐसी प्रार्थना हमारी उस परमात्मा को, हरि को, गोविंद को, परमेश्वर को, रब को, अल्लाह को होनी चाहिए। आप बोलेंगे तू अल्लाह और रब क्यों बोलता है? कोई फर्क नहीं है, उस परमात्मा को करोड़ें नाम दो मगर उसका अपना नाम ही नहीं है, वो तो दया का सागर मेहरबान है। जैसे आप उनको बुलाना है बुलाओ, वो ताकत है, शक्ति है, हम सब उसके बालक हैं, एक पिता एक अस के हम बालक। आगे काया नगर नगर है नीको, विच सौदा हर रस की जय। फरमाते हैं ये इंसानी जामा, ये काया, ये ह्यूमन बॉडी बड़ा सुंदर शहर है, नगर है, बड़ा सुंदर। नीको यानी बहुत उत्तम, क्योंकि ये भगवान का बनाया हुआ है। अगर परमात्मा की मुकम्मल कारीगरी किसको देखनी है, न इसी वास्ते के उसने आकाश बनाया, न इसी वास्ते के उसने पृथ्वी बनाई, नहीं, इसी वास्ते के उसने इंसान बनाया। कैसा इंसान बनाया? अपने जैसा। गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। इंसान के बाद अगर कोई सेकंड परफेक्ट एंटिटी है, परमात्मा के बाद नंबर टू इंसान है। वो इंसान अपनी जिंदगी ठिकर भीतर थोड़ा सोना थोड़ा चांदी कुछ बच्चे इकट्ठा करने के लिए जिंदगी खत्म करके जाता है। देखते देखते हम जाते हैं, बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होके और बड़ा होता है, और बड़ा होके बाल सफेद होते हैं, चश्मा पहनता है,
दौड़ नहीं सकता, खा नहीं सकता है, छोटे से बड़ा हुआ, बड़ा होके चल पड़ा। मगर ये यहाँ क्या फरमाते हैं, कहते हैं प्यारा इस आलीशान नगर में, इस आलीशान शहर में तू एक सौदा करने के लिए भेजा गया है। यू हैव बीन सेंट डाउन इन द क्रिएशन फॉर अ पर्पस, कोई एक काम के लिए तुमको भेजा गया है। कौन सा काम? श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी एक कड़ी में सवाल पूछेगी, दूसरी कड़ी में जवाब आएगा। कौन सा सौदा? विच सौदा हर रस कीजे। कहते हैं यू हैव बीन सेंट हियर फॉर अ बार्गेन, दैट इज गॉड, परमात्मा, उसका इष्ट, उसका प्रेम, उसका रस, उसकी जाय, उसकी डिलाइट, वो मस्ती, वो हरि का नाम, सच्चा नाम। कहते हैं इस सौदे के लिए प्यारा तुमको यहाँ भेजा गया। क्या है ये जिंदगी 50-60 बरस की? थोड़ा चांदी, थोड़ा सोना, थोड़े बच्चे, थोड़ा दुनिया का मान शान निंदा, इसके लिए भेजा भगवान ने, इसके लिए हरि ने भेजा। इसको मुसलमान अशरफ इल मखलूकात कहते हैं, सारी खलकत में ये अशरफ है, सुपीरियर है। इस वास्ते क्या छोड़ के गया? कुछ नहीं छोड़ के गया। खैर उस बात को नहीं हम छोड़ते। कहते हैं ये सौदा करो, मगर हम करते हैं। वाणी कहती है यह व्यापार विरला व्यापारी, कहते हैं कोई कोई विरला व्यापारी है जो ये हर रस का व्यापार करता है, नहीं तो दुनिया की ये ठिकड़ियाँ और छोटे मोटे टुकड़े, जिंदगी चली जाती। आगे रतन लाल अमोल अमोल सतगुर सेवाली जय। कहते हैं फिर वो हरि रस कैसे मिलेगा? कहते हैं गुरु की सेवा से, सतगुर सेवा लीजे। अभी सेवा हम दुनियादार समझते हैं कि गुरु महाराज के पांव दबाना, उसके कपड़े धोना, उसका ये काम करना, उसका पानी भर देना, उसका खाना बनाना, नहीं ये गुरु सेवा नहीं है। ऐसा तो लाखों में कोई एक होगा जो उसका खाना बनाएगा, मगर जहाँ जहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में सेवा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है उसकी माना है बंदगी, भजन, सिमरन। कहते हैं वो हरी रस चाहिए, वो सौदा चाहिए जिसके लिए तू आया है, वो कैसे मिलेगा? फरमाते हैं सतगुरु सेवा लीजिए। सतगुरु ने जैसा बताया है, सिखाया है, हमको टीचिंग दिया है, उस तरह से बैठ के भजन और स्मरण करना, वो सतगुरु सेवा। इस सेवा से हम नौ द्वार छोड़ के अपने घर के दरवाजे को खोल के अंदर चले जाते हैं। इसके लिए आए, एक दफ़ा ये अंदर चला गया, बस जन्म मरण खत्म है। तो पांव से इधर तक 2 मीटर भी नहीं है, मगर हम जिंदगी पूरी गंवा देते हैं, इधर तक हम आते नहीं। ऐसा नहीं है कि सब नहीं आते हैं, आते हैं, मगर मुश्किल ये है कि जबान बंद रखनी पड़ती है, किसी को बताना नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ पहुँचाऊँ, कहाँ पहुँचाऊँ। नो, जबान बंद रखनी पड़ती। जैसे जैसे ये भजन करेगा, सिमरन करेगा, इसका अपने जबान पर कंट्रोल भी होगा।
control on the tongue. हम और आप बकवास कर सकते हैं, ज़्यादा बात कर सकते हैं, भजन करने वाला चुप, भजन करने की निशानी चुप, हरि के मार्ग में चलना चुप, अंदर 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 अंदर। सिंध का एक मुसलमान फकीर है, वो कहता है न्याय खानी सिख मंजा सिपड़ी बरे सारो डीं बाहर बाफा न निकरे। ये जो ईंटों का भट्ठा होता है उसमें अंदर आग जलती है और चारों तरफ इसको सील कर देते हैं ताकि अंदर की आग उस मट्टी के ईंट को लाल बना दे। आग अगर कहाँ से निकल गई तो ईंट कच्ची पक्की हो जाती है। तो हमको वो मुसलमान महात्मा करता है कि जैसे वो न्याय यानी ईंट का भट्ठा अंदर ही अंदर रखता है आग को, इस तरह से तुमको अगर प्रभु से प्यार है, हरि से प्यार है, तुम्हारा सिमरन रो चालू है, तुम्हारे मन में गुरु का प्रेम है, चुप, जितनी चुप करेंगे इतनी वो वाह गुरु दया मेहर करके और दया करेगा और दया करेगा और दया करेगा। आगे सतगुरु अगम अगम है ठाकुर भर सागर भगत करी जय। आगे कृपा कृपा कर दीन हम सारंग एक बूंद नाम मुख दीजे। हम सवाल पूछते हैं अपने से, हमको प्रेम सतगुरु क्यों नहीं देता है, हमको भक्ति सतगुरु क्यों नहीं देता है। इस वास्ते नहीं देता है कि हम उस भक्ति के लिए तैयार नहीं है, राइप हम नहीं हैं। अगर किसी को गुरु महाराज भक्ति दे देवे तो दुनिया को वो छोड़ देगा। वो गुरु महाराज नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं तू दुनिया में रहो, मैं तुमको भक्ति देता हूँ, अंदर रखो, ब्ला 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 दुनिया को नहीं बता। गुरु भक्ति का सागर होता है, मांगने वाले नहीं है। कहते हैं सतगुरु अगम, अगम है ठाकुर भर सागर भगत करीजे। कहते हैं वो तो चाहता है कि वो हमको प्रेम देवे मगर हम प्रेम सह नहीं सकते हैं। एक अंग्रेज था, उसके अंदर महाराज जी प्रगट हो गए, प्रेम खुल गया। वो डेरे में गाय मिले तो गाय को झप्पी लगाता है, भैंस मिले तो भैंस को झप्पी लगाता है। सेवादारों ने आके महाराज जी को कहा कि हजूर ये फलाना अंग्रेज गाय भैंस जो मिलती है उसको झप्पी लगाता है। और लोग उसको कहते हैं झप्पी माना एम्ब्रेस, छाती से लाना, हजूर ये तो लोग पूछ रहे हैं और ये कर रहा है। महाराज जी ने कहा अच्छा भाई इसका बंद कर देते हैं, ये सह नहीं सकता है, एक झोपड़ी में हाथी जाएगा क्या, झोपड़ी में हाथी जा सकता है। तो महाराज जी ने ऐसा कहा, कहता है एक झोपड़ी में हाथी नहीं समाता है, मैं इसका बंद कर देता हूँ। बंद कर दिया, वो वैसे का वैसा रह गया। अब कहने का मतलब ये प्रभु हमारे से ज़्यादा मुंतजर हैं कि हमको वो भक्ति देवे मगर हम उसके लिए तैयार नहीं है, राइप नहीं है, वर्दी नहीं है। उसके बाद जो कुछ होता है उसकी हम संभाल नहीं कर सकते। फिर कहते हैं कृपा 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 कर हम सारंग एक बूंद नाम मुख दीजे। पपिया एक छोटा सा पंछी है, दरिया कुएं का समंदर का कोई पानी नहीं पिएगा,
पिएगा तो बरसात का पानी पिएगा। प्रभु को अर्ज करता है, प्रार्थना करता है, अरदास करता है, प्रभु एक बूंद इस सारंग को, पपिए को खाली एक बूंद देगे, मुझे सागर नहीं चाहिए और सागर की जरूरत भी नहीं है, अमृत का लोटा पीना नहीं है, अमृत की एक बूंद चाहिए, वो बूंद पिया काम खत्म है। इस वास्ते देखिए गुरु साहिबान हमको सिखाते हैं भगवान से क्या मांगो, ये चीज मांगो जो तेरे साथ चले, जिससे जन्म मरण खत्म हो जाए। आगे लालन लाल लाल है रंगना मन रंगन को गुर दीजे, राम 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 रंग राते रस रसिक घटक नित पीजे। कहते हैं मेरा सतगुरु रंग चढ़ाने वाला है, डायर जिसको बोलते हैं, माताएं बहनें जब साड़ी और कपड़े ले जाते हैं, कोई कोई रंग चढ़ाता है, कोई कोई रंग चढ़ाता है, बट पहले तो सफ़ेद ही ले जाते हैं ना, ठीक है। कहते हैं मेरा गुरु ऐसा रंग चढ़ाता है लाल मजीठा, मजीठा माना फास्ट, मगर किसको चढ़ाता है, कहते हैं जो उसको मन दे दे दे। कौन है मन देने वाला? नहीं, कोई नहीं मन दे सकता। मन तो हमने ऐशो इशरत को दिया, बच्चों को दिया, बेटियों को दिया, सबको, संसार को दिया, भगवान को मन कौन देता है? भगवान के भक्त ही देते हैं। कहते हैं अगर ये मन देवे तो गुरु उसको लाल कर देता है। तन मन धन सौंप गुरु को हुक्म मनिए पाइए, मन देवे ना। मन देने का क्या मतलब है? आप सवाल पूछेंगे भाई मन देने का क्या मतलब है? मन देने का मतलब है सिमरन भजन करना, रोज रोज करना, हर वक्त सिमरन चालू रखना, हृदय खाली नहीं होवे। सबना जिया का एको दाता सो मैं विसर न जाई, अगर इसको हर वक्त सतगुरु याद है, परमात्मा याद है, हरि याद है, तो ये रंग देगा, रंग चढ़ जाएगा। मगर ऐसा कौन? कोई विरला होगा। फिर बोलते हैं राम 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 रंग राते रस रसक घटक नत पीजे। जब कहते हैं वो रंग चढ़ा देता है तो हर वक्त नाम रस अंदर में ये पीता रहता है। आप संतों के बाणी में पढ़ेंगे, संतों एक खिन नहीं भूलते हैं वाहगुरु को। वो नाम ऐसी चीज है, एक दफा प्रकट हो जावे फिर बंद नहीं होती। आप बोलेंगे सोने वक्त, हाँ सोने वक्त भी हजूर महाराज जी के भाई थे, उसने मेरे को बताया कि मैं महाराज जी, बड़े महाराज जी की बात बताया कि मैं उनके पास, वो जब सोते थे तो एक झली थी, उस जमाने में पंखा बिजली नहीं था, एक झली बनाई जाती थी, रस्सी से ऐसा खींचा जाता था फिर हवा आती थी। तो बोले मैं महाराज जी की झली चलाऊंगा, महाराज जी को जब नींद आ जाएगी तो मैं फिर झली छोड़ दूंगा, उसको नींद आ जाएगी। वो गया और झली चलाई, झली चलाई, बोला अभी शायद महाराज जी को नींद आ गई है। तो महाराज जी ने अपना साइड बदली किया, बोला धन सतगुरु, बोले अभी नींद नहीं आई है। फिर चालू रखा झली, चालू रखा, हवा देते रहा, फिर बोला अब नींद आई है। तो महाराज जी ने साइड कड़वत बदलाया, बोले धन सतगुरु। इस तरह से सारी रात ये झली चलाता रहा। सुबह को महाराज जी को कहा हजूर
रात आपको नींद नहीं आई है? बोले हाँ मेरे को तो नींद आई है। बोले फिर आप बोलते थे धन सतगुरु धन सतगुरु धन सतगुरु, तो महाराज जी खूब हंसे। मैं आपको फकत एक दृष्टांत जिंदा देता हूँ कि संतों के वक्त हर वक्त उनके अंदर वो वाहगुरु नाम चलता है, उससे खाली नहीं रहते। आगे वसुधा सप्त दीप है सागर, कढ़ कंचन काढ़ धरी जे। अब शब्द समाप्त करने से थोड़ा पहले एक मिसाल देते हैं। कहते हैं संसार में सात दीप हैं और सात समंदर हैं, माना सेवन ओशंस एंड सेवन कॉन्टिनेंट्स। कहते हैं इनका सारा हीरा मोती जवाहरात सारा एक जगह बेली करो, इकट्ठा करो, स्टोर करो। कहते हैं अब कोई ऐसा आदमी जिसने हर रस पिया है, इसको ले आओ, इसको बोलो ये सब हीरा मोती जवाहरात ले जाओ। वो क्या करेगा? कहते हैं मेरे ठाकुर के जन इन्हू न मांगे बांछे। कहते हैं प्रभु रस जिसने पिया है, हरी रस जिसने पिया है, उसको ये हीरा मोती जवाहरात क्या करेगा? उनके लिए तो पत्थर है, मिट्टी है। कोई ले जाएगा? कोई ले जाएगा? इस वास्ते कहता है मेरे ठाकुर के जन इन्हू न बांछे। भाई अगर आपको ये नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? हर मांगे हर रस दीजे। प्रभु मेरे को तो तुम्हारी लोड़ है, तुम्हारा रस चाहिए, तुम्हारे बगैर और कुछ नहीं चाहिए। वो साहिबी अपना हो गया तो और क्या संसार में हम चाहेंगे? जब सृष्टि का मालिक ही अपना हो गया फिर हमको किस चीज की लोड़ है? कोई नहीं। देखो बाणी एक एक लफ्ज करोड़ रुपए का है, मेरे ठाकुर के जन इन्हू न बाछे। फिर हमारे लिए कहते हैं, माना हम माना दुनियादार संसारी गृहस्थी, कहते हैं साकत नर प्राणी सद भूख है। एज अगेंस्ट दिस हमारे जैसा भूखा, दुनिया का भूखा, पैसे का भूखा, मान का भूखा, शान का भूखा, साकत नर प्राणी सद भूख है, ये कॉन्स्टेंटली भूखा है, मांगता रहता है, मांगता रहता है, मांगता रहता है, मांगता रहता है। इसका मन रजा नहीं। मन रजेगा तो भक्तों का, जिसने अमृत रस पिया, हरि का दर्शन किया। साकत नर प्राणी सद भूख है, नित भूखन भूख करी जाए। कहते हैं ये मांगता रहेगा। भगवान अगर इनकी 10 इच्छाएं पूरी करे तो दूसरे दिन 10 और पेश करेगा, प्रभु ये मेरे काम करो। आखिर में कहते हैं धावत धावे प्रीत माया लख कोसन को बत दीजे। अब गुरु साहब कहते हैं भाई ये आदमी जिसने हरि रस पिया है और ये आदमी जिसको दुनिया चाहिए, इन दोनों के बीच में कितना फासला है, कितना डिस्टेंस है? 1 माइल 2 माइल नहीं। कहते हैं लख कोस, कोस माना 2 माइल। कहते हैं लख कोसन को बत दीजे। हरि का प्यारा, प्रभु का प्यारा, वाहगुरु का प्यारा और दुनिया का प्यारा, इनके बीच में बेहिसाब मुफासला है। ये हमारे तरफ इशारा है, हम जो आम दुनियादार हैं। फिर गुरु महाराज कहते हैं ऐसा हरी रस पीने वाला जो मोतियों और हीरों को देखना भी नहीं चाहता है, कहते हैं ऐसे को हम प्रभु क्या लकब देवे, किस तरह से उनका सत्कार करें?
किस तरह से हम उनकी बड़ाई करें। महाराज जी कहते हैं, हर जन हर 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 जन उत्तम, क्या उपमा तिन की कीजे, क्या बड़ाई करें। जवाब देते हैं, राम नाम तुल और न उपमा। कहते हैं इसको राम कह दो, हरि कह दो, भगवंत कह दो, और इसकी क्या हम बड़ाई करेंगे। जिसने हरि को प्रेम किया, हरि की भक्ति की, हरि रूप हो गया। वो बूंद जब सागर में गई तब सागर बन गई। इस वास्ते कहते हैं वो इंसान जिसको एक हरि प्यारा है और कुछ नहीं चाहता है, कहते हैं ये हरि का रूप है। ना ही पातशाही कहते हैं हर जन हर अंतर नहीं नानक साची जान। हरि का भक्त और हरि उसमें कोई फर्क नहीं। नानक साची जान, बिलीव मी द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज लॉर्ड हिमसेल्फ। ये खुद भगवान बन गया, बूंद थी सागर में गई सागर बन गई। इस वास्ते कहते हैं उनका क्या हम आदर सत्कार करें, उसको हम राम क्यों न कह देवे। राम नाम तुल और न उपमा, जन नानक कृपा करी जय।